अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं जिस बस का रिव्यू कर रहा हूँ वो मेरे पीछे खड़ी है। इंशाल्लाह इस बस का मुकम्मल रिव्यू करूँगा, तो ड्राइवर से भी बात करूँगा, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेके आप तक पहुँचाऊँगा। तो अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए चले हम बस का रिव्यू करते हैं। उस्ताद जी अपना नाम तो सीख गई एक बात। अच्छा उस्ताद जी, यह जी गड्डी है यह तुसी माशाल्लाह नवी ली है, तो कितनी देर हो गई है, मतलब कि लिया दी है गड्डी शकर कटवाई दी? गड्डी में 20 साल हो गए, टाइम नहीं चल रहे हैं, गड्डियां बदलते रहने हैं, गड्डी नवी आई है तो S8 चल रही है 6:45 सियालकोट पहुँचती है 9 बजे, वाया जाती है गमटाला, ईसा, सनखतरा, शाहगरी, तफल, छो मंडी, सियालकोट। ठीक हो गया। उधर 3:30 बजे चलती है, इस वाये आती है, इतने पहुँचती है 7:45। सही हो गया। मतलब कि सियालकोटों जी किन्ने बजे निकलती है? सियालकोट तो 3:30 बजे निकलती है। अच्छा, इतने 7:45 पहुँचती है, वाया पटाइयों की आती है, इसे सनखतरे शाहगरी सनखल काला छो मंडी वगैरह वगैरह। तो इस गड्डी दी अगर अपना प्राइस अधी कीमत पूछी जाए कि कितने दी होगी गड्डी है? साल बॉडी जी गड्डी है इस मॉडल से 35-36 लाख की। अच्छा, मतलब कि फ्रेम से बॉडी लैदा लैदा कि इकट्ठी है कि? फ्रेम अगर 0 मीटर गड्डी लवो तो फ्रेम लैदा मिलता है, नुमाइश है कोई 84 लाख रुपया, उत्ते 22 लाख रुपए की बॉडी बनती है, उन्होंने टायर पैदे ने अगर ए टायर है दे, तो वो टायर 3 महीने बाद बदल दो के 3 महीने 4 महीने चल जाते हैं, 3 महीने रस्ते दिंदे ने, 3 महीने बाद बदल देने, टायर की प्राइस वधदी रहिंदी है, 82,000 के ने पिछे 95 दे हो गए थे, हुण 82,000-82,000 की जोड़ी है। जापानी टायर जिहड़ा चाइना की यह जोड़ी है, जिहड़ा जापानी है 1,20,000 की ब्रिजस्टोन वगैरह जां पिछे। सही। तो जी अच्छी कंपनी के जो टायर वो किन्ने दे मिल जाते हैं? 1,20,000 के मिलते हैं ब्रिजस्टोन, मिचलन, जापानी टायर। सही है। उस्ताद जी और साढ़े व्यूअर ने भी दस्यो कि शकरगढ़ तो सियालकोट का जो किराया वो किन्ना है? 180 रुपये किराया है इतों शकरगढ़ों, पिंडा चो 10-20 रुपये घट चलता जाता फिर, तो यही किराया। डीजल खाती है 7500 का, एक फेरे का जान आ 7500 रुपये का, 75,000 का नहीं, 7500 का, 7500। ठीक हो गया। एक जान का रूट का मतलब क्या खर्चा है? हाँ जी, जान का उस कोई अड्डे किराए कोई 5-7-8 सौ रुपया बच्चों निकलता है, जोड़े रस्ते अड्डा फीस होंगी है, चविंडे वगैरह, ईसे वगैरह, सियालकोट, 1,000 रुपया वो ला लो। चलो, तो अपना शकरगढ़ का अड्डा तुम कि दें इतों? शकरगढ़ अभी इतों टाइम नहीं चुकते, लिहाजा ही अपने घर आना होंगे, इतों असं वैसे निकल जाने अपने टाइम नाल, साडा टाइम ही अगों शुरू होंगे पिंडा चो, इतने साढ़े टाइम घुमटाले वालों शुरू होना चाहिए। अच्छा, तो जरा सियालकोट का जो अड्डा वो तुम कि देंगे? सियालकोट साढ़ा 500 रुपया लग जाता अड्डा फीस, बच्चे परची पुची बिच कोई हक रूक करो देना, तो उन्होंने 100 रुपया सारा 500 रुपया सियालकोट च लगे। अच्छा, तो जेडे अमला है वो कि बंद अमला रखे? अमले की कमीशन होंगी है 100 रुपये पिछे 10 रुपये, जिसने जिन्हें का फिर गेड़ा लगना उन्ने ही पैसे उन्होंने उस हिसाब ना डिवाइस करने ने दोनों बंद। अच्छा, तो किन्ने बंदे रखे थे तुसी? मतलब तीन होंगे ने, एक हेल्पर होंगे, एक कंडक्टर होंगे, एक ड्राइवर होंगे, त्रै बंदे होंगे ने। जिहड़ा हेल्पर होंगे उन्होंने 7-8 सौ रुपया जी पर डे है वह भी बच्चों कटना होंगे, उन्होंने भी 7-8 सौ रुपये चाहता, कंडक्टर भी लगभग कोई 900-800 के हिसाब उन्हों की भी दिहाड़ी कर। तो उस तो बाद साढ़े व्यूअर में दसो कि साढ़े शकरगढ़ का वाहद टाइम है जो सियालकोट में जाता है जी? वाहद बस यही है जी पिंडा चो फिर सियालकोट जाती है, बाकी ट्यूटा स्टैंड है उतो टिकटे वगैरह अगर पिछले जाते हैं। सही हो गया।
ते खर्चे की गल की जाए तो गड्डी माशाल्लाह बड़ा भी घट हो 10,000 रुपया डेली का खर्चा है सियालकोट तो बेशक खाली आ जाए फेरा ला के आए इन्ना एक डीजल वगैरह यदा खर्चा अड्डे उड्डे पा के इन्ना बन जाए 10,000 10,000 रुपया। शुक्रिया जनाब, तुसी साडे मतलब कि चैनल नूं टाइम दिता, बहुत शुक्रिया थोड़ा।